शाही कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा चॉप फ्राई। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 लैब यानी कि 1 लैब मैंने ली है बेबी गोट चॉप, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, 4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट ये मैंने 2 टीस्पून लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी कच्चा पपैया, जिसे हम ब्लेंड करके मैरिनेट करते वक्त इसे इस्तेमाल करेंगे, और इसे हमें 3 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, और उसके बाद हम इसे तवे पर फ्राई करेंगे। देखिए, ये पपैया मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे चाप में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर, इन सबको हमें मिक्स कर देना है। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर आपको हाथ का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, अब मैं इसमें कच्चा पपैया ऐड कर रही हूँ। सब मसालों को हमें मिक्स करके 3 घंटे मैरिनेट होने के लिए इसे रखना है, और उसके बाद हम इसे तवे पर फ्राई करेंगे। अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें, और ये इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं चाप को। ये 2 टेबलस्पून हमें लेमन जूस भी लेना है इसमें, और इसे भी हम चाप में ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से चाप पर लग चुका है। अब हम इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में इसे रख देते हैं। हमें इस चाप को 1-1 घंटे में बार बार ऐसे ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि मसाला जो है इसको अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, इसका मसाला इसके ऊपर, और गलने में है जो आसानी हो, हमें चाप गलने में आसान हो जाए इसका। तो इसे हमें 1-1 घंटे में ऊपर नीचे इस तरीके से करते रहना है, चेक करते रहना है हमें, और मिक्स करते रहना है मसाला। देखिए, चाप को हमारे 3 घंटे हो चुके हैं और ये काफ़ी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये तवा है जो हमारा गरम हो चुका है, मैं इसमें कुछ ऑयल ऐड करूँगी। इसमें हमें तवे का जो टेस्ट देना है, इसलिए हम तवे पर ही इस चाप को फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह ये तवा हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब मैं इसमें चाप ऐड कर रही हूँ। चार चार पीसीज आपको चाप के लेकर फ्राई करने हैं, ताकि स्पेस मिले तवे पर। ये मेरा तवा है जो मीडियम साइज का है, इसलिए मैंने 4 पीसी इसमें ऐड किए हैं।
मीडियम टू स्लो, और जैसे आपको फ्लेम रिक्वायर्ड लगे इस तरह की फ्लेम देते हुए हमें इसे फ्राई करना है। अभी मैंने जो है मीडियम फ्लेम रखी है, ताकि हमें चेक भी करना है कि ये अंदर से गल जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, ये मैंने 7 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर रखा। अब मैं इसे पलट देती हूँ। ये एक साइड जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, मैं इसे पलट देती हूँ। मुझे 7 मिनट लगे हैं। ये मैंने नॉन स्टिक नहीं यूज़ किया, मैंने इसमें तवा यूज़ किया है, रेगुलर आयरन तवा है ये। देखिए, एक साइड हमारी टेंडर हो चुकी है, अब मैंने इसे पलट दिया है। अब इसे दूसरी साइड से हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए, ये चाप हमारी दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है। दोनों साइड मैंने 7-7 मिनट मीडियम फ्लेम देते हुए इसे दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में ले लेते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये चाप हमारी। इसके मसालों की जो स्मेल है इस वक्त बहुत ही अच्छी आ रही है, और मीट भी हमारा काफ़ी टेंडर हो चुका है। जो हमने कच्चा पपैया यूज़ किया था इसमें उस वजह से, और 3 घंटा जो हमने इसे मैरिनेट किया था, 3 घंटे में काफ़ी टेंडर हो चुका है ये मीट हमारा। अब हम दूसरा राउंड ऐड करेंगे इसमें। देखिए, दूसरा राउंड ऐड कर रहे हैं हम। इसे भी हम ऐसे ही स्लो मीडियम फ्लेम पर 7 मिनट दोनों साइड देकर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए, सेकंड राउंड भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग के लिए प्लेट में ले लेते हैं। देखिए, ये हमारी तवा चाप सर्व करने के लिए रेडी है। इसमें जो लेमन का, जो नींबू का जायका है, वो बहुत ही मज़ेदार है। आप भी ज़रूर बनाइए, आप भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग शाही कुकिंग विद नाहिद। इंशाल्लाह, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।